बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलो बेटा, आज की वीडियो थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। आई कैप का नया नया जो अभी नोटिस आया है रिगार्डिंग के जो हार्ड बाउंड स्टडी मटेरियल है वो आज के बाद अवेलेबल नहीं होगा। मतलब आज के बाद से मुराद जो है जो आने वाली कमिंग अटैम्प्ट हैं, रिसेंट अटैम्प्ट जो हैं, अगर हम बात करें इसकी कैफ की तो सेप्टेम्बर अटैम्प्ट है, इसी तरह सी फैप एम एस सी की बात करें तो दिसंबर अटैम्प्ट है, इस तरह एफ सी वालों की भी जो विंटर अटैम्प्ट है वो वाली। तो लिहाजा इन अटैम्प्ट के बाद उन्होंने कहा है कि आपको हार्ड बाउंड स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे जो हम आई कैप की बुक्स जो हैं वो वहाँ से जाके ले आया करते थे, आई कैप स्टडी टेक्स्ट जो ग्रीन वाली होती थी, तो आई कैप ने कहा है कि क्योंकि हम चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं और हम ऑनलाइन पेपर जो है उस पर भी चले गए हैं, तो अब हम ज़्यादा इसको मज़ीद हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि पेपर वर्क जो है कम से कम हो, तो हम क्या है जी हार्ड बाउंड मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी, स्टडी टेक्स्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब बेटा यहाँ पे कि हमें फ़ायदा या नुकसान क्या होगा, तो इसका तो बहरहाल कोई इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, बहुत ही कम मतलब माइनॉरिटी है जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को पढ़ती है। बेसिकली जिस कॉलेज में या रेट में या टीचर से पढ़ रहे होते हैं वो अपने नोट्स से आपको पढ़ाते हैं, तो लिहाजा स्टूडेंट्स पे तो खास इतना इम्पैक्ट नहीं जाना, लेकिन बहरहाल आई कैप इस पर क्या आपको फेवर देने की सोच रहा है। देखो बहरहाल बच्चे आई कैप को आपको फेवर देनी चाहिए, आपकी या तो एग्ज़ाम फ़ी कम करनी चाहिए या आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी कम करनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ जो है आपको कंसेशन देनी चाहिए, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है ये रखी गई थी तो तब उसका यही पर्पस था कि इसके अंदर जो आपकी स्टडी मटेरियल है उसकी हार्ड बाउंड कॉपीज़ की जो फीसिस हैं वो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जो क्या कहते हैं इसके अंदर शामिल होंगी जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो लिहाजा रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप एलिजिबल हो जाते थे, आपको आपके रेट्स भी प्रोवाइड कर देते थे, आई कैप के ऑफिस से भी जाके ले सकते थे। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगा। बहरहाल डिजिटलाइज हो रही हैं चीज़ें भैया, तो इस चीज़ को जहन में रखें और उम्मीद करें कि इसमें आप लोगों के लिए जो है कोई अच्छी बात हो। बहरहाल जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है, मेरे ख्याल में ये मैटर कोई इतना ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस का नहीं था, तो और मैटर भी हैं जिनके ऊपर ज़्यादा अच्छी डिस्कशन और ज़्यादा अच्छे जो क्या कहते हैं टाइम जो है वो स्पेंड किया जा सकता है आई कैप की तरफ से, तो और ज़्यादा क्रिटिकल मैटर मौजूद हैं उन पर थोड़ा सा तवज्जो ज़्यादा दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर थोड़ी सी मज़ीद डिस्कशन और टॉपिक के ऊपर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।